डिफरेंशिएट करेक्ट आ रही हो। यस सर। कंटिन्यू करते हैं। लिखो मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन चैप्टर चल रहा है तो दूसरा मेथड है लॉग एंड डिफरेंशिएट। पहले तो हमने किया कि सिंप्लीफाई करके कभी कभी डिफरेंशिएट करा करो, अब लॉग एंड डिफरेंशिएट। ओके स्टॉप राइटिंग बच्चों, मेरे से देखो कब करना है लॉग। तो यूजुअली अंडर टू सर्कमस्टेंसेस यू टू शुड टेक लॉग एंड डिफरेंशिएट। फर्स्ट केस इज कि अगर फंक्शन बहुत सारे फंक्शन का प्रोडक्ट दे रखा है और उनकी पावर्स भी अलग अलग है, कुछ भी रैंडम है, t ऑफ x रेस्ट टू पावर 7, u ऑफ x रेस्ट टू पावर 8, तो चेन रूल तो लगा सकते हो बट कितना गंदा होगा चेन रूल का डिफरेंशिएशन, है ना? यस सर। इंस्टेड इफ आई टेक लॉग क्या हो जाएगा, देखो ln f इज इक्वल टू 3 ln g प्लस 4 ln h प्लस एंड सो ऑन। एग्रीड? बहुत इजी हो जाएगा डिफरेंशिएशन। यस सर। आराम से 1 बाय f इनटू f डैश इज इक्वल टू 3 बाय g इनटू g डैश प्लस 4 बाय h इनटू h डैश एंड सो ऑन। बस ये f को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा डिफरेंशिएशन हो गया। यस इन दिस केस इट इज प्रेफरेबल टू टेक लॉग एंड डिफरेंशिएट। केस 2 इज कि अगर कोई फंक्शन ऐसा दे रखा हो, फंक्शन रेस्ट टू पावर फंक्शन दे रखा हो तो ऑब्वियसली लॉग लेना ही पड़ेगा, करेक्ट है एवरीवन? यस सर। तो ln f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h ln g। अब आराम से डिफरेंशिएट कर दोगे 1 बाय f इनटू f डैश, यहां पे यूवी रूल लगाओगे, h डैश इनटू ln g प्लस h बाय g इनटू g डैश, और फिर f को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे इस f को। सही है? बट मैं प्रेफर करूंगा कि यहाँ पे कभी कभी लॉग के बिना भी करा करो। कैसे? यूजिंग लिमिट्स में जो सिखाया था, ए की पावर एक्स को क्या लिख सकता हूँ एवरीवन, ई की पावर एक्स एलएन एलएन, तो क्या लॉग की जरूरत नहीं पड़ेगी और एक्सपोनेंट का डिफरेंशिएशन इजी होता है। तो मैं यहाँ पे जी ऑफ एक्स रेस टू पावर एच ऑफ एक्स को क्या लिख सकता हूँ, कम ऑन, ई की पावर एच एलएन एलएन जी। मुझे लॉग की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब डिफरेंशिएट करो इधर उधर लॉग लेके डिफरेंशिएट करो, फिर एफ को शिफ्ट करो, वो सब जरूरत नहीं पड़ेगी। एफ डैश इज ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन, ई की पावर एक्स, यस और नो? यस। इनटू यूवी रूल वही आ जाएगा देखो, और ई की पावर एच एलएन जी सेम एज द ओरिजिनल फंक्शन जी रेस्ट पावर एच, करेक्ट एवरीवन? तो मैं मेथड 2 प्रेफर करता हूँ यहाँ पे, बट तुम्हारा इच्छा है लॉग लेके करना है तो वो भी कर सकते हो, नॉट मच डिफरेंस। चलो कॉपी कर लो ये। हो गया कॉपी? सो वंस शॉर्ट में लिखो, शॉर्ट में।
Yes, now done. Sir, can you scroll down? Fast. Now, बढ़ सकते हैं आगे? Yes, sir. चलो क्वेश्चन करने हैं तुम्हें. First question, answer, chat. हो रहा है ना बच्चों, लॉग लेके डिफरेंशिएट कर रहे हो ना? यस. चलो गुड. इसका आंसर आया, देखें. प्रशांत करेक्ट, सर्वेश रॉन्ग, ईशान रॉन्ग. सर ईशान कब सही हो गया है? जल्दी सही करो बच्चों, कम ऑन. चलो करेंगे डिस्कस हम. बस बिल्कुल सही. मेरे साथ देख लो, अगर किसी का सही नहीं आया. आंसर इज कितना? सेवन. एल एन एफ इज इक्वल टू एल एन वन प्लस एक्स प्लस एल एन ऑफ दिस, तो वन बाय टू आगे आ जाएगा, प्लस एल एन ऑफ दिस तो वन बाय थ्री आगे आ जाएगा. अब डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. 1 by f into f dash is 1 upon 1 plus x plus 1 by 2 into 1 upon 3 plus x square. और बहुत बच्चे क्या भूल जाते हैं? 2x. चेन रूल भूल जाते हैं. 2x. Correct everyone? Yes sir. Yes sir.
सेम वे में भी यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन किया है और अब इसका डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर भी आएगा बच्चों, भूला मत करो। अब x को 1 डाल देते हैं, सो f डैश 1 डिवाइडेड बाय f ऑफ 1, 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, इज 1 बाय कितना 2 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 8, सो f डैश 1 इज f ऑफ 1 इनटू इसका एलसीएम 8, 4 प्लस 2 प्लस 1 7 बाय 8। एफ ऑफ वन कहां से आएगा? ओरिजिनल एक्सप्रेशन से आएगा ना एफ ऑफ वन? यस सर। देखो ये रहा एफ ऑफ वन, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 है एफ ऑफ वन, सो एफ डैश 1 कितना हो गया 8 इंटू 7 बाय 8। बिल्कुल क्लियर? यस सर। कॉपी करो जल्दी से। किसी को डाउट है तो पूछ सकता है। नेक्स्ट पेज जा सकते हैं। हाँ बालको नेक्स्ट पेज। चलो आई होप हो गया है, कभी कोई छूट भी जाए तो एक लाइन छोड़ देना यार, समझ लिया तुमने और क्या। चलो ये क्वेश्चन करो चैट पे आंसर। देखिए किसका है, ध्यान से करो बच्चों, मिस्टेक बहुत कर रहे हो। सैयम मिस्टेक, सर्वेश मिस्टेक, प्रशांत मिस्टेक, ध्यान से करो। अब पहला सही है, अमन का करेक्ट है। ईशान जैन करेक्ट, गुड। सैयम मिस्टेक है अभी भी, सर्वेश मिस्टेक है। तुम दोनों बच्चों का जिनका सही मैंने बोल दिया, प्रशांत आल्सो करेक्ट। वो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं हटा दूंगा इसको। जो बच्चा बाद में भी कभी करना चाहता हो स्क्रीनशॉट अभी ले लेना, फिर बाद में मत बोलना सर दिखाना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर वापस क्वेश्चन को कंटिन्यू करो जो पुराने वाले को। यस सर्वेश, सयम, प्रशांत, प्रशांत को तो आ गया, सयम, सर्वेश, दूसरे बच्चे निकाल बताओ जल्दी से आंसर। सर्वेश का करेक्ट हो गया। लास्ट 30 सेकंड्स।
सब करते हैं। नो कृष्णा बच्चे गलती हो रही है, सही हम गलती हो रही है, देखो क्या गलती कर रहे हो, प्लीज सही है। सबसे पहले क्या करूं, लॉग लॉग के साथ करूं या वो एक्सपोनेंट में लिख लूं, क्या अच्छा है तुम्हारे, दोनों तरीके से कर सकते हैं। टेल मी फास्ट, लॉग लॉग लेके, ठीक है। सो एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन ऑफ दिस प्लस एल एन ऑफ दिस हो जाएगा, करेक्ट ना? यस सर। प्लस एल एन ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर, तो अभी थोड़ा सिंप्लीफाई करो बिफोर डिफरेंशिएट, रूट एक्स आगे आ गया, रूट एक्स एल एन रूट एक्स, और इस रूट एक्स को भी एक्स की पावर हाफ कर सकता हूँ और वो टू नीचे आ गया। साउंड्स गुड एवरीवन? यस सर। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर नीचे आ गया, एल एन ई वन, अब बिंदास डिफरेंशिएट करो। यहाँ पे यूवी रूल, पहले रूट एक्स बाय टू को कॉन्स्टेंट, एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन टू रूट एक्स into ln x constant plus इसका differentiation 2x, अब x को 1 रखना है, y dash is y of 1, y of 1 बाकी है, that is equals to, यहाँ पे कितना हो गया, 1 by 2 into 1 plus ln 1 0 हो गया plus 2 into 1 2, so y dash is y of 1, भूलना नहीं है उसको, y of 1 को, into 1 by 2 plus 2, that is 5 by 2, y of 1 सबको दिख रहा है यहाँ पे, y of 1 is 1 into e, that is y of 1 is e, so y dash का आंसर e into 5 by 2, clear everyone? Yes sir. 10 seconds to copy, ईशान extra का गलत है, अरे मत करा कर। आगे बढ़ रहे हैं, हो गया ना सबका? यस सर। यस, डू दिस क्वेश्चन। पाई मतलब प्रोडक्ट होता है, कमॉन प्रोडक्ट के टर्म से लॉग लेके डिफरेंशिएट करो, हो जाएगा आराम से।
जस्ट अ सेकंड में आ रहा हूँ, सब हो जाना चाहिए। चलो देखें किसका सही हुआ। प्रशांत करेक्ट, सर्वेश रॉन्ग, संयम रॉन्ग, ईशान जैन करेक्ट, गुड गुड। ईशान एंड प्रशांत तुम वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन का आंसर बताओ। बाकी सबके लिए लास्ट 30 सेकंड्स, कम से कम एलएन तो लिया, इसको एक्सपांड करके भी ले सकता हूं अगर डरते हो पाई से, बट डायरेक्ट करो यार। आई होप ये समझ में आता है, जैसे अगर एलएन लूंगा तो बस एलएन लिया, अभी तक पाई अंदर ही है, करेक्ट। अब एलएन को स्प्लिट कर सकता हूं ना, एलएन एबीसी को एलएन ए प्लस एलएन बी प्लस एलएन सी लिख सकता हूं ना बच्चों? यस सर, यस सर। समेशन एलएन ए लिख सकता हूं, मतलब प्रोडक्ट समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्टेप समझो जल्दी से, 30 सेकंड में आंसर निकालो, अदरवाइज फिर मैं समझाऊंगा। सर्वेश करेक्ट, अमन करेक्ट, ओके आई थिंक डिस्कस कर सकते हैं आप एवरीवन, कैन आई? मेरे साथ देखो, ये स्टेप में किसी को इश्यू है क्या? समेशन बाहर आ गया, प्रोडक्ट की जगह समेशन हो गया, नो। तो ln f इज ये वाला जो टर्म है वो आगे आ जाएगा समेशन के पहले, क्योंकि समेशन में तो n पे डिपेंड करता है, तो n से बाहर नहीं आएगा, बट log के तो नीचे आ ही जाएगा। अब इमेजिन कर लो ये सब सम में है, ठीक है, बट x का टर्म तो सिर्फ इसमें, मतलब डिफरेंशिएट करूंगा तो सिर्फ इसका होगा, करेक्ट एवरीवन? यस सर, यस। तो समीशन में लिखते हैं, इतना आप हैबिट बना सकते हैं, अब बचपन नहीं है हमारा। दिस इनटू ln का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x माइनस n इनटू चेन रूल से x का डिफरेंशिएशन 1, सही है बच्चों? यस सर। ओके, अब क्या बोला है उसने, x को 101 डाल दो, डाल देते हैं। f डैश 101 डिवाइडेड बाय f ऑफ 101 इज समीशन n इक्वल टू 1 से 100 n इनटू 101 माइनस n इनटू 1 अपॉन 101 माइनस n, ये और ये कैंसिल हो गया, बचा है सिर्फ समेशन n। क्या आंसर होता है? n into SNS, n plus 1 by 2, आया ना? Yes sir, yes sir। Copy fast, no Prashast, late भेजा मन, जब मैं सॉल्व करने लग गया तब। सही है, आल्सो करेक्ट, ईशान जैन एक्स्ट्रा का सही है, गुड। जल्दी कॉपी करो बाकी सब। टेन सेकंड्स,
चलो आई थिंक सबका हो गया. कैन आई प्रोसीड अहेड एवरीवन? यस सर. सेकेंड मेथड कर लिया हमने लॉगरिथम एंड डिफरेंशिएशन. अब करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शंस. इनवर्स फंक्शंस हमने कहां पे देखा था? फंक्शन चैप्टर में. यस यस सर. तो मेरे साथ ये बताओ कि अगर फंक्शन को मैं y इक्वल टू f ऑफ x लिखना पसंद करता हूं, वेयर x इज इनपुट y इज आउटपुट, तो इनवर्स को कैसे लिखते हैं? मतलब एक और पॉइंट ऑफ व्यू से समझा देता हूँ कि अगर f इनवर्स 2 पूछा है तो ये 2x है या y है? x है. सोच लो अगर इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं एंड देन मैं f इनवर्स 2 पूछ रहा हूँ तो ये 2 कौन है? y है. और मुझे पूछा क्या है? x for which y is 2. क्लियर ना? यस सर. यस सर. अब इनके डिफरेंशिएशन की बात करते हैं. तो लेट स्टार्ट विद द रिलेशन. सबको याद होगा f इनवर्स ऑफ f ऑफ x कितना होता है? x. x, वेरी गुड, सॉरी x. तो अब डिफरेंशिएशन करना है तो इनवर्स का फिर ये पावर है और फिर डिफरेंशिएशन का साइन भी लगाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे. तो लेट से f इनवर्स को एक g फंक्शन बोल देते हैं. ठीक है, तो g इनवर्स भी एक फंक्शन ही है ना? यस सर. तो g ऑफ f ऑफ x इज x. अब डिफरेंशिएट कर दूंगा. डिफरेंशिएशन में किसी का भी डिफरेंशिएशन करना हो कोई इशू नहीं होना चाहिए. चेन रूल लगाते जाओ एंड कीप दैट इन माइंड किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो. तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? x या y? x. चलो डिफरेंशिएट करो. पहले आउटर फंक्शन g डैश f ऑफ x इनटू कुछ आएगा क्या यहाँ पे? f डैश. वेरी गुड, f डैश x. राइट साइड में 1, राइट? यस सर. और यहाँ पे f ऑफ x, आई होप तुम्हें पता ही है y है, हाँ है ना? यस सर. तो मतलब इस f ऑफ x की जगह y रख देता हूँ तो g डैश y का फॉर्मूला आ गया 1 अपॉन f डैश x. यस, याद रखना है. इसका मतलब अगर मैंने किसी क्वेश्चन में g डैश 2 पूछा है तो इज इट और इज इट नॉट सेम एज 1 अपॉन f डैश 2? मतलब डायरेक्टली सेम एज f डैश 2, 1 अपॉन f डैश 2 और नॉट? नॉट सेम. नो, अरे कम ऑन, यहाँ पे y है और यहाँ पे x है, हाँ है ना कटुनो? यस सर. y है तो यहाँ पे उसके करेस्पॉन्डिंग वाला x आना चाहिए, which it is not necessarily true, correct ना? Yes sir. Yes sir. G dash 2 will be 1 upon f dash x. अब यहाँ पे ये x कौन है? That x for which y is 2. तो बस ये ध्यान रखना, मैं g dash 2 पूछ रहा हूँ तो चिल्ला के 1 upon f dash 2 मत बोल देना. सुन लिया? Yes sir. Yes sir. अच्छा, डबल डिफरेंशिएशन, क्योंकि कभी कभार डबल डिफरेंशिएशन भी दे देते हैं यहाँ पे, ऑल्दो वो हम इस चैप्टर के एंड में देखेंगे. और चलो करते हैं. मतलब मुझे g डबल डैश y का फॉर्मूला चाहिए, तो कोई बात नहीं, लेट स्टार्ट विद दिस. एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, आ जाएगा ना? यस सर. यस सर. डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y नहीं, अभी भी x ही करूंगा, डिफरेंशिएशन तो हमेशा x के रिस्पेक्ट में ही कर रहे हैं. क्लियर? यस सर. तो क्या लिखूंगा? g डबल डैश, जैसे कंपोजिट का करते हैं तो g डैश f लिखते हैं ना वैसे ही. यस. तो g डबल डैश y ही लिखूंगा और फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, दैट इज y का डिफरेंशिएशन होगा, हाँ है ना बच्चों? dy by dx. यस सर. सही लिखा है? यस सर. इजिकल्स टू राइट साइड का डिफरेंशिएशन कैसा होगा? 1 बाय कैपिटल x की तरह, एग्री करो? यस सर. क्या होता है उसका डिफरेंशिएशन? माइनस 1 बाय x स्क्वायर. f डैश x का स्क्वायर, हाँ है ना? यस सर. यस सर. इनटू चेन रूल से f डैश x का डिफरेंशिएशन कितना होगा? f डबल डैश x. बताओ ये स्टेप सबको क्लियर है? यस सर. देख लो आराम से. क्लियर? यस सर. अच्छा, y तो अभी भी f ऑफ x ही है ना? यस सर. सो g डबल डैश y इनटू dy बाय dx जगह f डैश लिखूंगा, चलेगा ना? यस सर.
f dash x equals to minus 1 upon f dash x ka square into f double dash x. Tumhara kya answer aa gaya? G double dash y is equals to minus 1 upon f dash x ka whole cube into f double dash x. Sahi hai? Yes, sir. Although it is not very important, but अच्छे बच्चे तो याद कर लेते हैं. Otherwise, ये process important है, समझ लो कैसे differentiate करना. चलो ऊपर से कॉपी करते हैं. कॉपी हो गया सबका कॉपी. कैन आई चेंज द पेज एवरीवन. चलो देखो सर थोड़े सा आईटीएफ के डिफरेंशिएशन फॉर्मूला भी याद कर लेते हैं. डिफरेंशिएशन ऑफ आईटीएफ प्रूफ सब्स्टिट्यूशन से या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल से हो जाएगा. सुन लिया? Yes, sir. तो फिजिक्स में याद भी कराया हूँ. Anybody remember? नहीं. देखो कैसे इसका प्रूफ होगा. वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, फिर एक्स को हम क्या रख देंगे, साइन थीटा रख देंगे. हाँ है ना. सुन रहे बच्चों? Yes, sir. क्यों साइन थीटा? क्योंकि इनवर्स का तो आता नहीं है, तो इनवर्स को हटाने के लिए यही रखेंगे ना, ताकि y sin इनवर्स sin थीटा हो जाएगा और y थीटा हो जाएगा. यस सर. फिर यस सर dx करना है तो आंसर d थीटा / dx हो जाएगा. एग्री करो? यस सर. dx / d थीटा यहां से निकलेगा इज इक्वल्स टू cos थीटा. फिर थीटा को वापस x के टर्म्स में रखना पड़ेगा. cos थीटा इज अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर. सो dx / d थीटा सॉरी d थीटा / dx इसका रेसिप्रोकल. मैं फास्ट बता रहा हूँ बट आई होप समझ में आ गया. यस सर. क्या फॉर्मूला होता है? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. क्लियर एवरीवन? यस सर. यस सर. प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है बट तो भी देख लो. अगर तुम्हें ढंग से देखना हो तो, पता नहीं इतना ढंग से देख रहे हो ऐसा लग रहा है. इतना ढंग से देखने की जरूरत नहीं, इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. बट चलो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आता नहीं है, वही डिराइव करना है. तो इनवर्स को हटाने के लिए एक्स को क्या रख सकते हैं? साइन थीटा. सो वाई कितना हो गया? साइन इनवर्स साइन थीटा. कितना होता है वो? थीटा.
ये हमेशा नहीं होता है, बट अभी के लिए थीटा है. जब आईटीएफ पढ़ाऊंगा तब इसमें कुछ एक्सेप्शन बताऊंगा, अभी के लिए ठीक है. यहाँ तक ओके? यस सर. तब मुझे अब अच्छा खासा फंक्शन सिंप्लीफाई हो गया है, तो डिफरेंशिएट कर देते हैं. बट कीपिंग इन माइंड किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रिस्पेक्ट में. और थीटा भी वेरिएबल है या कांस्टेंट है? कांस्टेंट नहीं, अरे वेरिएबल है. x को sin थीटा रखा है, थीटा कांस्टेंट हो गया, फिर तो x कांस्टेंट हो जाएगा. हां या ना? यस सर. तो वापस बोलो, x कांस्टेंट है वेरिएबल है? वेरिएबल. वेरिएबल. सो dy/dx मतलब पूरे इक्वेशन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं. तो राइट साइड कितना हो जाएगा? d थीटा/dx. अब ये निकालना पड़ेगा ना? यस सर. तो ये किसकी मदद से निकालोगे? इसी की मदद से. एवरीवन? यस सर. तो आप डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में? थीटा के रिस्पेक्ट में कर दें? यस सर. तो dx/d थीटा इज इक्वल टू sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा. एग्री करो? यस सर. सो d थीटा/dx जो कि हमें चाहिए विल बी 1/cos थीटा. यस सर. अब अगर sin थीटा x है तो cos थीटा क्या होता है? 1/√1 - x² ना एवरीवन? यस सर. तो ये आंसर आ गया. इज दैट क्लियर? यस सर. रफली विद, यहां पे दो तीन चीजों मैंने कैजुअली बताई है, बट तुम्हें मोर और लेस समझ में आ गया. अब याद है तुम्हें इनवर्स में मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, sin इनवर्स x + cos इनवर्स x कितना होता है बच्चों? π/2. मतलब cos इनवर्स x हो गया π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स. करेक्ट एवरीवन? यस सर. मतलब अगर मुझे डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स चाहिए तो इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर दें? यस सर. π/2 का डिफरेंशिएशन 0 और साइन इनवर्स का हमें आता ही है, यही होता है ना? यस सर. सो मतलब कॉस इनवर्स एक्स के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला डिराइव हो गया. समझ में आया? यस सर. कॉस इनवर्स का सिर्फ क्या होता है? माइनस. Clear? Yes, sir. जैसे साइन इनवर्स का ये डिराइव कराया, वैसे ही टैन इनवर्स का भी डिराइव कर लोगे. अभी के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ, आंसर याद रखना है 1/1 + x² एंड गेस करो टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स कितना होता है? याद करो, π/2. तो अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स पूछूं, उसका भी क्या आंसर होगा? -1/(-1/1+x²). ठीक है ना? Yes, sir. सिर्फ sec इनवर्स का फॉर्मूला मुझे ऑब्वियसली तुम्हें याद कराना पड़ेगा, 1/|x√x² - 1. तो गेस करो sec इनवर्स x + cos इनवर्स x भी कितना होता है? π/2. सो देयरफॉर डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x भी कितना हो जाएगा? -1/√x²-1. क्लियर एवरीवन? यस सर. चलो कॉपी करो यहां तक. You don't need to copy the proof, but you can.
इस बाल को कॉपी हो गया क्या एवरीवन? Should I wait or should I turn the page? Done, sir. चलो क्वेश्चन करो. Do these two questions. याद रखना G dash 2 मतलब Y 2 है, हाँ है ना? Yes, sir. करो करो. सर्वेशन सही हम फर्स्ट का करेक्ट है. सर्वेश सेकंड का भी सही है. गुड फर्स्ट जल्दी करो बच्चों. सही हम सेकंड का भी सही है. सर्वेश सही हम वेरी गुड. बाकी सब बच्चों फर्स्ट का नहीं आ रहा है मैं बताऊं क्या? टेल मी फास्ट. चलो देख लो फर्स्ट तो मैं बता ही रहा हूं. जी डैश टू तो सबसे पहले तुम सबको पता है ये y है तो y टू के लिए x निकाल लेते हैं. तो कहां से निकलेगा? ओरिजिनल से ही निकलेगा. y is x cube plus x की पावर 5. तो हिट एंड ट्रायल से दिख गया कि x 1 है बच्चों. बट इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं हो सकता बिकॉज टेल मी फंक्शन हैज टू बी व्हाट? 1 1 1 1. अदरवाइज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता. याद आ गया? यस सर. तो अब x 1 पता लग गया है मतलब g डैश 2 is same as 1 upon f dash 2 or f dash 1? F dash 1. F dash 1. So f dash 1 ke liye pehle differentiate kar do usko. 3x square
प्लस 5x की पावर 4, अब x को 1 रख दो, कितना आंसर आ गया 1 बाय, जल्दी से सेकंड का निकालो फास्ट। Correct, correct, correct. Just a second. किसी को डाउट नहीं, आई थिंक ये तो सबका हो गया 1 by 6 e cube, everyone? करने की जरूरत नहीं है? Good. Doubt. Doubt है? Doubt है ना? हाँ सर. Okay, जल्दी देखो, इतना टाइम नहीं गाइस करेंगे. Same question है, इसलिए मैंने टाइम भी इतना दिया बच्चे. y equal to e cube के लिए x निकालना है, pit and trial से बता कितना आएगा? 1 so मतलब g dash e cube is same as 1 upon f dash 1 ना? हाँ sir. f dash इसका differentiation, e की power का differentiation, e की power ही होता है और फिर chain rule लगता है, हाँ है ना? हाँ sir. 2x plus 1 तो बता दे कितना answer आ गया हर्ष, x को 1 रखना है, e cube into 3 plus 2 plus 1, 6. हाँ सर. चलो डबल का एक क्वेश्चन करते हैं. Done everyone? Done. फटाफट कॉपी कर लेगा तो I am sure. हाँ सर. हो गया. चलो ये क्वेश्चन करो फास्ट. इसमें एक थोड़ा मैं ट्रिकीनेस डाल देता हूँ. फर्स्ट पार्ट g double dash 2 बताओ पहले और फिर सेकंड पार्ट g triple dash भी बताओ. Come on.
जी डबल डैश के लिए तो मैंने फॉर्मूला बताया ना एवरीवन। यस सर। करो जल्दी से। जी डबल डैश वाई इज माइनस वन अपॉन एफ डैश एक्स का होल क्यूब इनटू एफ डबल डैश एक्स। टू बाय नाइन माइनस टू बाय नाइन क्या है बताओ। या कुछ और है। करेक्ट निशान चेक करो। सर्वेश संयम करेक्ट। फर्स्ट पार्ट जिनका हो गया वो सेकंड पार्ट के लिए आगे बढ़ो। फर्स्ट पार्ट का आंसर है माइनस टू बाय नाइन। माइनस टू बाय नाइन। यस ईशान अमन मिस्टेक। इसका फर्स्ट पार्ट नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ। अदर्स कंटिन्यू विद द सेकंड पार्ट। जी डबल डैश वाई इज एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स इज थ्री एक्स स्क्वायर। थ्री एक्स स्क्वायर का क्यूब इनटू एफ डबल डैश। एफ डबल डैश विल बी सिक्स एक्स। सिक्स एक्स अब ये वाई को टू डालना है और वाई को टू के बजाय एक्स को वन डालना है। तो पता ही है तुम्हें एक्स को वन। 27 into 6 minus 2 by 9 डी पार्ट। डी पार्ट में आई होप इसके आगे नहीं जाओगे। इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। यस नो एवरीवन। यस यस जैसे तुम्हारी इच्छा करो। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो पहले फिर और इजी हो जाएगा। अब इसको तो कोई कौन डिफरेंशिएट नहीं कर सकता। सब जने कर सकते हैं। सबने कर ही लिया अब तो आई एम श्योर। डिफरेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में वाई या एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स एक्स ही। जी ट्रिपल डैश वाई इनटू डी वाई बाय डी एक्स इज माइनस टू बाय नाइन इनटू माइनस फाइव इनटू एक्स की पावर माइनस एक्स। करेक्ट बच्चों। यस। अब वाई को टू रखूंगा एक्स को वन रखूंगा और डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। दिख रहा है ना थ्री। यस सर। डी वाई बाई डी एक्स सेम एज वन अपॉन एफ डैश वन इज थ्री। तो जी ट्रिपल डैश टू इंटू थ्री इज टेन बाय नाइन इंटू वन। जी ट्रिपल डैश टू इज टेन बाय ट्वेंटी सेवन। गुड सर्वेश।
हाँ भाई हो गया डन सर। एमओडी में बस छोटे छोटे मेथड्स है बच्चों। अब अपन नेक्स्ट कर रहे हैं पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन देखो यहां बहुत बार क्या होगा कि तुम्हें y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नहीं दे रखा होगा, तुम्हें y किसी पैरामीटर के टर्म्स में दिया होगा और x भी किसी पैरामीटर के टर्म्स में दिया होगा। तो दिमाग लगाओ, अगर y भी t के टर्म्स में x भी t के टर्म्स में, तो एक तरीके से इनडायरेक्टली y और x दे रखा है ना। हाँ बच्चों यस सर। जैसे कि एग्जांपल कि मान लो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज 4, ये सर्कल की इक्वेशन है, बट मैं इसकी जगह थीटा में दे ही सकता हूँ ना या t में दे ही सकता हूँ। कम ऑन आया ना, बताओ क्या ये और ये इक्वेशन सेम है या नहीं है एवरीवन? यस सर। तो ये हो गई, इसको बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन, और दूसरे को क्या बोलते हैं एवरीवन? पैरामेट्रिक इक्वेशन। तुमने पूरा कोऑर्डिनेट पढ़ लिया अब तो। सो कभी कभार अगर ये देंगे तो हमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, dy बाय dx ही चाहिए हमें। तो तुम आराम से दिमाग लगा सकते हो कि सर dy बाय dx होगा, बट हम y को x के रिस्पेक्ट में नहीं करेंगे, हम y को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है? यस। और फिर नीचे x को भी क्या कर देंगे, dx बाय dt। कम ऑन, दोनों का डिवीजन dy बाय dx हो गया, एग्री करो? यस सर। बस ये फॉर्मूला के लिए पढ़ा रहा हूं, बस नथिंग एल्स। तो dy बाय dt कितना हो गया, 2 cos t, करेक्ट एवरीवन? यस सर। इनटू dt बाय dx ऐसा कुछ आएगा या नहीं आएगा? मतलब नीचे का तो कर ही रहा हूं मैं, ऐसे तो नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि सिर्फ एक y को t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, करेक्ट ना एवरीवन? यस सर। अब नीचे करना है dx बाय dt, तो x को भी t के टर्म्स में कर रहे हो, तो कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं आएंगे, क्या आएगा नीचे? -2 चला गया, आंसर आ गया -40, आंसर है। बट अगर ऑप्शन में x और y के रिस्पेक्ट में दे रखा है, ऑप्शन में x और y है, तो क्या cot को वापस x और y में रख सकते हो क्या? हां सर। अरे दोनों का डिवीजन देखो, x बाय y कितना हो गया एवरीवन? 40, दिख रहा है बच्चों? यस सर। बस तो ऐसे पैरामेट्रिकली डील करना आना चाहिए। तो अगर तुम्हें पैरामेट्रिक इक्वेशन देंगे तो बस ये फॉर्मूला यूज करके निकाल लोगे ना? हां सर। यस। कॉपी करो। हो गया सबका? Yes। सॉल्यूशन ड्रॉप करने दो।
Okay, start these questions. यस दोनों क्वेश्चन जल्दी फिनिश करिए. बोथ क्वेश्चंस करेक्ट प्रशांत. चलो इनफ टाइम, सब बच्चों ने ऑलमोस्ट कर ही लिया होगा आई एम श्योर. सो dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt. dy बाई dt इसका डिफरेंशिएशन 3t स्क्वायर, dx बाई dt इसका डिफरेंशिएशन 1 बाय 4. तो आंसर हो गया 12t स्क्वायर. करेक्ट एवरीवन? यस सर. 12t स्क्वायर आंसर तो आ गया, बट x की वैल्यू दे रखी है तो फिर हमें t की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी. क्लियर एवरीवन? यस सर. तो हमारे पास t और x का कोई रिलेशन है क्या? हां है. x इज t by 4, सो x की वैल्यू 1 by 4 रखी, मतलब t 1 है जहां पे डिफरेंशिएट करना. इज इट क्लियर? यस सर. बट ऐसा नहीं कि पहले t को 1 रख देना, यहां पे ऐसा कार्टून बंदी तो नहीं करोगे ना? नहीं, वो टी वेरिएबल है. जैसे हम बोलते हैं dy by dx at x equals to 5 निकालना है, तो वैसे ही है वो टी. सेकंड क्वेश्चन, dy by dx is again dy by dt. सो न्यूमरेटर इसका डिफरेंशिएशन बट ध्यान से करना है बस. sin t का डिफरेंशिएशन cos t, इसका डिफरेंशिएशन uv रूल्स है, t का डिफरेंशिएशन 1 और cos t का माइनस sin t. करेक्ट बच्चों? यस सर. dx by dt ऊपर वाले का ध्यान से करेंगे, cos t का माइनस sin t प्लस फिर uv रूल, t का 1 sin t प्लस t
कॉस्टी देखो कितना आराम से किया, कॉस्टी से कॉस्टी गया, साइंटी से साइंटी गया, ऊपर क्या आ गया ए इनटू कितना है माइनस या प्लस, प्लस प्लस टी साइंटी, नीचे ए इनटू टी कॉस्टी, टी से टी गया, ए से ए गया, क्या है फाइनल आंसर टेंट। बस यही छोड़ना है इसको, सिंपल है ना पैरामेट्रिक तो एवरीवन। यस सर। यस सर। कॉपी 10 सेकंड्स। Changing the page. पहले लेफ्ट वाला करो फिर राइट वाला करना।
ओके पहले का आंसर देखते हैं सही है मैंने शाम चेक कर लो कुछ गलती लग रही है एक की तो चलो पहला तो हो गया सबका कर लें डिस्कस यस सो डी वाई बाय डी एक्स ठीक है डी वाई बाय डी टी ए रूट कॉस टू टी एज इट इज साइन टी का कॉस टी लिखा सॉरी प्लस कॉस का डिफरेंशिएशन वन बाय टू रूट कॉस टू टी इंटू कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टू टी इंटू चेन रूल से टू और साइन टी कॉन्स्टेंट सही है एवरीवन यस सर dx by dt सेम वे में रूट cos 2t कांस्टेंट cos t का माइनस sin t अब रूट का डिफरेंशिएशन 1 by 2 रूट cos 2t cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2t चेन रूल से 2 और cos t कांस्टेंट देखो आ गया ये सब रूट cos 2t LCM लूंगा तो ये रूट हट जाएगा यहाँ पे राइट 2 का भी LCM ले लेते हैं तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे भी कर लेते हैं रूट हट जाएगा और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ताकि ये और ये पूरा कैंसिल हो गया ऊपर 2 गया ए गया तो अभी तक क्या क्या बचा है cos 2t into cos t माइनस sin 2t into sin t डिवाइडेड बाय cos 2t माइनस नीचे माइनस है तो कॉमन ले रहा हूँ cos 2t into sin t प्लस sin 2t into cos t सबको ट्रिकों के फॉर्मूला दिख रहे हैं क्या फॉर्मूला है cos a cos b माइनस sin a sin b नाला लिखो cos a plus b cos what a plus b a plus b नीचे sin a cos b plus cos a sin b कितना होता है sin a plus b ना बीच में प्लस है sin 3t तो आंसर इतना सिंपल है देखो cot 3t अब t की वैल्यू डाल देते हैं 5 by 6 तो cot 5 by 2 हो गया आंसर क्लियर बच्चों यस सर सेकंड का भी सर्वेश और ईशान का सही है बाकी सब बच्चे जल्दी से करो कॉपी करो एंड डू सेकंड अच्छा मंडे को मैं वो कंटिन्यूटी वाले डाउट डिस्कस करूंगा सुन लिया
चलो सेकंड का आंसर बिल्कुल आ गया है, जिसका नहीं आया वो खुद से निकालेगा, सुन लिया एवरीवन? प्लस वन इसका आंसर है, डू इट एज अ होमवर्क। क्लियर बच्चों? यस। अब नेक्स्ट मेथड तो नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी की बुकलेट कंप्लीट करके लाना जितनी हो सके, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे।